क्या नवाज शरीफ हो सकते हैं पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री? अगर नवाज को बनाया जाता है पाक का अगला पीएम, तो फिर भारत से कैसा रहेगा पाकिस्तान का रिश्ता? यही सवाल इस वक्त भारतवासियों के दिमाग में है कि अगर बाय चांस नवाज को अगला पीएम पाक का बना दिया जाता है, तो फिर भारत और पाक के रिश्ते कैसे होंगे, आने वाले समय में क्या होगा, ये तो हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ के साथ हमारे या कहें भारत के रिश्ते कैसे रहे हैं, उनके बारे में हम जरूर आपको बता सकते हैं। पाकिस्तान में फिलहाल नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के 2 दिन बाद भी पूरे नतीजे अभी तक नहीं आ पाए हैं। यहाँ किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 92 सीटों के साथ सबसे आगे हैं, और वहीं नवाज की पार्टी 72 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा समेत कई जगहों पर हिंसाएं हो रही हैं। जेल में कैद इमरान की पीटीआई और बिलावल की पीपीपी ने कई सीटों पर धांधली के बड़े आरोप लगाए हैं। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है, और ऐसे में अभी तक कोई बहुमत नहीं ले पाया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि नवाज और भारत के रिश्ते पहले कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साल 2014 की। ये वो साल था जिस वक्त पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बीजेपी चुनाव जीत चुकी थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को भी आमंत्रित किया गया, और नवाज न्योता स्वीकार कर सपरिवार मोदी के शपथ ग्रहण में पहुंचे। भारत आते हुए नवाज ने ये तक कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। मैं शांति का संदेश लेकर नई दिल्ली जा रहा हूँ। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान का कोई नेता भारत आ रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद अचानक पीएम मोदी लाहौर चले गए। नवाज ने जबरदस्त मेहमान नवाजी की, और 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान दौरे पर थे। मोदी ने सुबह ट्वीट किया कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे पर जा रहे हैं। मोदी लाहौर पहुंचे और उन्हें वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर तक दिया गया। यहीं पर नवाज शरीफ मोदी से गले मिले और उनकी बता दे खूब मेहमान नवाजी की। भारत को लेकर इस बार नवाज का क्या रुख हो सकता है, वो भी उनके कुछ बयानों से हम समझ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी के साथ तो नवाज शरीफ चाय पी चुके हैं, और भारत के साथ उनका रुख काफी मायने में सही रहा है। ऐसे ही एक बार उन्होंने 27 जनवरी 2024 को घोषणा पत्र जारी करते समय नवाज शरीफ ने कहा था कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं। पाकिस्तान भारत को शांति संदेश इस शर्त पर भेजेगा कि वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के निर्णय को वापस ले। यानी कि पाकिस्तान का कहना था, या कहे नवाज शरीफ का उस वक्त कहना था, कि जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई जा रही है, उसे फिर से लागू कर दिया जाए, तभी हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। ऐसे ही नवाज ने 21 दिसंबर 2023 यानी कि हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर डॉलर की भीख मांगते हैं, उधर भारत चांद पर पहुंच चुका है, G20 में बैठ के कर रहा है। पाकिस्तान ये सब क्यों नहीं हासिल कर सका जो भारत ने हासिल किया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बातें नवाज शरीफ ने कही थी। पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते भी अक्सर नवाज शरीफ बनाते आए हैं। हाल ही की बात करें तो 9 फरवरी को जीत की ओर बढ़ रहे नवाज ने लाहौर में PMLN के ऑफिस के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो सभी पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे। नवाज ने भारत का हाँ नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर भारत की तरफ किया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स और बता दें कि पॉलिटिशियंस या कुछ लोगों की माने तो नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आते हैं तो संभावना है कि भारत का पाकिस्तान के साथ कुछ व्यापार और पारंपरिक संबंध फिर से बने। ये संबंध सुधारने की दिशा में बड़े कदम नहीं होंगे, हाँ, लेकिन इससे भारत पाक में अभी जो बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है, उसे थोड़ा सा कम नवाज कर सकते हैं, क्योंकि नवाज का रुख भारत के लिए या कहे मोदी के लिए थोड़ा लाइट हमेशा से देखा गया है। तो इस पर आपका क्या मानना है, क्या नवाज अगर पाकिस्तान के पीएम बनते हैं तो क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े बहुत सुधर सकते हैं? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।